एवरीवन, वेलकम टू बेसिक थ्योरेपी। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि डिविजिबिलिटी होता क्या है और उसको पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, जैसे कि यहाँ पे नंबर 2 डिवाइड्स नंबर 1 और उसका जो रिमाइंडर होता है वो 0 होता है, तब हम कहते हैं कि नंबर 1 इज डिविजिबल बाय नंबर 2। सो दिस इज डिविजिबिलिटी। नाउ हम देखते हैं कि डिविजिबिलिटी पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एज यू मूव इन टू हायर क्लासेस यू विल कम अक्रॉस क्वेश्चन लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर और विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर और इफ अ नंबर डिवाइड्स अ सर्टन नंबर। सो इन ऑर्डर टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन यू नीड टू नो द कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। सो लेट अस अंडरस्टैंड वॉट डिविजिबिलिटी इज। आपने केमिस्ट्री में कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे टू नो इफ अ गिवन सैंपल टू यू बिलोंग्स टू अ सर्टेन क्लास और कैटेगरी। इन द सेम वे हम नंबर्स पे अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जो पहली टेस्ट हम करेंगे वो है डिविजिबिलिटी बाय 2। इसमें हम देखेंगे कि कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल हो सकता है। अगर किसी नंबर के यूनिट्स प्लेस में आपको 0, 2, 4, 6 या 8 दिखे तो ब्लाइंडली यू कैन से दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। दैट इज यू आर एबल टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर नंबर इन 2 इक्वल पार्ट्स। फॉर एग्जांपल 32, 40, 84, 68 या फिर 86। इसमें आप देख सकते हो कि यूनिट्स प्लेस में 2 है, 0 है, 4 है, 8 है, 6 है। ब्लाइंडली यू कैन से दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय। मूविंग ऑन, हम टेस्ट करेंगे कि कोई नंबर 3 या 9 से कब डिविजिबल हो सकता है। मैंने इन दोनों को एक साथ लिया है, इट इज बिकॉज दोनों के टेस्ट काफी सिमिलर है। 3 में हम ये देखेंगे कि अगर कोई नंबर दिया है से 59, तो हमें ये करना है कि ये दोनों नंबर को इंडिविजुअली ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस 9, इन दोनों की जो एडिशन होगी उस एडिशन को हमें देखना है कि इफ ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि 3 से डिवाइड करने के बाद अगर हमें रिमाइंडर 0 मिले तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। इन द सेम वे अगर कोई नंबर है 60, हमें उसको इंडिविजुअली ऐड करना है, नंबर आया 6। अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है। इन दिस केस 59 की एडिशन है 14 और 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 59 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। कोई ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें डिविजिबिलिटी फैक्टर ट्रू है। फॉर एग्जांपल 36, 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। 9 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर वी कैन से दैट 36 इज डिविजिबल बाय 3। इन केस ऑफ 9 वी कैन कंसिडर नंबर 81, 8 plus 1 we have 9 and we know that 9 ones are 9, so 81 is also divisible by 9. I hope this concept is clear to you. 4 की टेस्ट ये है कि अगर कोई भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से divisible है तो वो पूरा नंबर 4 से divisible है। फॉर एग्जाम्पल 8, 6, 3, 2 नंबर दिया गया है, हमें बताना है कि इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। तो हम सिर्फ इसमें लास्ट के 2 डिजिट्स ही कंसीडर करेंगे। सो 32 इज डिविजिबल बाय 4, वी नो दैट 4 8s are 32, सो नंबर 8632 इज डिविजिबल बाय 4। यू हैव टू रिमेंबर ओनली लास्ट 2 डिजिट्स यू हैव टू कंसीडर, नो मैटर हाउ बिग द नंबर इज, बी इट 10 डिजिट्स लॉन्ग या फिर 4 डिजिट लॉन्ग। अभी हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5 एंड डिविजिबिलिटी बाय 10। उससे पहले हम ये देखेंगे कि 5 का टेबल दिखता कैसे है। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25 and so on। अगर आप गौर से देखें तो यूनिट्स प्लेस में आपको दिखेगा 5 0 5 0। सो सिर्फ 5 और 0 ही इसके यूनिट प्लेस में आते हैं। तो इसी वजह से अगर कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 या 0 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। अब देखते हैं 10 का टेबल। 10 के टेबल में आता है 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन।
आपको दिखेगा कि 10 के टेबल में यूनिट प्लेस में सिर्फ 0 आता है, इसलिए अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो उसके यूनिट प्लेस में 0 ही आएगा. दीज आर द टेस्ट फॉर 5 एंड 10. होप यू आर क्लियर. इस वीडियो में हमने पढ़ा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी होता क्या है एंड हमने इसको क्यों पढ़ना चाहिए. हमारे अगले वीडियो में हम बचे हुए टेस्ट पढ़ेंगे, कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे और एक कॉम्प्रिहेंशन करेंगे. टिल देन स्टे ट्यून्ड. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.